माय डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट दिस इज अवर मैथ्स क्लास, है ना बेटा? ये हमारी मैथ्स क्लास है और आज की इस मैथ्स क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन इन रियल लाइफ, यानी हम रियल लाइफ में जो कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं और कैसे करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है? तो वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नेक्स्ट 4.4 तक हम फिनिश कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 का, वो है पेज नंबर 51 पे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर 50, टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 51। ओपन करेंगे बेटा 51 पेज नंबर, मुझे लगता है आप सबने ओपन कर ली होगी अपनी बुक। अब हम अपने बुक्स में देखेंगे और मेरे साथ देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। देयर इज 1350 kg ऑफ फूड मटेरियल इन वन कंटेनर। एक वन कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर पे अंदर 1350 kg फूड है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ फूड विल 375 सच कंटेनर्स कंटेन। अगर वन कंटेनर के अंदर 1350 kg फूड आ सकता है, फूड मटेरियल यानी फूड से बना हुआ कोई भी चीज़, ठीक है? तो बताइए 375 वैसे ही सेम साइज़ के अगर कंटेनर हो, सच मतलब बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, कंटेनर्स हो, तो बताइए उसमें टोटल कितना kg फूड होगा। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि आपके पास में एक स्टूडेंट के पास वन पेंसिल बॉक्स था और वन पेंसिल बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल्स है। वन पेंसिल बॉक्स जो है उसके अंदर कितनी पेंसिल्स है? 10। अब उस बच्चे ने वो जो पेंसिल बॉक्स था एक के अंदर उसने 10 पेंसिल्स रख दी, वैसा ही बिल्कुल देख के उसके दोस्तों ने भी बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, आप ऐसा करना कि हम 5 स्टूडेंट्स के लिए सेम इसी तरह की बॉक्सेस और ले आना, ठीक है? तो वन तो पहले से ही था और फोर उसको बोल दिया 5 बॉक्सेस टोटल हैं और टोटल 5 बॉक्सेस में इसी तरह से 10 पेंसिल्स। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो गई। तो आपको ये तो पता है कि वन बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स थी? 10। टोटल बॉक्स कितने मंगा लिए? 5। तो 5 बॉक्स के अंदर टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? तो आप कहेंगे मैम मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, उसी नंबर को बार बार रिपीट करना और प्लस करना। इसका मतलब है कि एक पेंसिल बॉक्स में जब 10 पेंसिल्स हैं तो वो जो 10 पेंसिल्स है वो कितनी टाइम्स रिपीट हुई? 5 टाइम्स। तो 10 को 5 से क्या किया? मल्टीप्लाई एंड 10 फाइव दा 50, ठीक है? ऐसे ही अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वन कंटेनर में कितना फूड है बेटा? वी हैव फूड इन वन कंटेनर 1350। जस्ट सी इट हियर, यस, सो 1350 kg फूड मटेरियल इन वन कंटेनर। नाउ इन 375 कंटेनर्स, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 1350 kg विद 375। तो मैंने यहाँ पे हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे फूड मटेरियल इन अ कंटेनर, फूड मटेरियल इन अ कंटेनर इज इक्वल टू 1350 kg। अब फूड मटेरियल इन 375 कंटेनर्स में कितने हैं? तो दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1350 जो है वो 375 टाइम्स रिपीट होगा और इसको इजी बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं एडिशन को। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो आप सबको आता है, 5 0 0, 5 5 25, 5 2 कैरी। अब आ जाइए 5 3 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 5 1 5 + 1 6, ठीक है? नेक्स्ट लाइन 7 0 0, 10 स्टार्ट करने से पहले हम एक जीरो लगाते हैं 10 का। देन 7 5 = 35, 5 3 कैरी, 7 3 = 21 प्लस 3 = 24, 2 कैरी एंड 7 1 = 7 + 2 9। ऐसे ही जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 100 के 2 जीरो आ गए, 3 0 = 0, 3 5 = 15, 1 कैरी, देन 3 3 = 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 3 1 + 3 + 1 4। अच्छा आपको पता है कि हम बाद में यहाँ पे क्या करते हैं इनको प्लस, सो हियर 0 5 + 0 0 5, 7 + 5 = 12, 2 1 कैरी, 1 + 6 = 7, 7 + 4 = 11 एंड 11 + 5 = 16। तो ये 6 आ गया, फिर 1 कैरी एंड 9 + 1 = 10, 0 1 कैरी, 1 + 4 = 5। इट मीन्स 5600
सॉरी 5,06,250 केजी फूड, फिर से देखेंगे 5,06,250 केजी फूड मटेरियल इन 375 कंटेनर्स। क्लियर हो गया बेटे? तो ये आपका है क्वेश्चन, क्या है बेटे क्वेश्चन, क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर टू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर टू अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन आपके समझ में आ गया है, तो अभी हमने इसमें क्या समझा कि एक कंटेनर में 1,350 केजी फूड था और हमें सेम ऐसे ही 375 कंटेनर्स के अंदर टोटल कितना फूड हुआ जब सेम क्वांटिटी में फूड है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारा 5,06,250 केजी। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर टू। अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, तो सी योर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमसे कहता है देयर आर 24 आवर्स इन वन डे, यानी एक दिन में, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 365 डेज, तो 365 डेज में कितने होंगे। इफ़ अ ईयर एस, अगर एक साल में 365 डेज हैं तो हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 100 सच ईयर्स, फिर आपको 100 ईयर्स का बताना है। तो आपको पता है वन डे में 24 है, तो 365 डेज के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, वेरी गुड। और जब हम 365 में टोटल आवर्स निकालेंगे तो 100 ईयर्स करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। यस बेटा, सो लेट्स सी ऑन द वाइट बोर्ड। 24 आवर्स इन वन डे, वन डे में कितने आवर्स हैं 24, इट मीन्स डैश आवर्स इन 365 डेज, तो 365 डेज में कितने हो गए बेटा, क्या कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। आपने अगर मान लीजिए कि आप एक दिन में, क्या वन डे में आप टू क्वेश्चंस लर्न करते हैं, तो फाइव डेज में कितने करेंगे 10, कैसे आया 2 × 5, है ना। सेम ऐसे ही वन डे में 24 आवर्स हैं, तो 24 आवर्स वन डे के हैं, तो 365 को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई, तो दोनों को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। व्हेन वी मल्टीप्लाइड देन वी गेट 4, 5 = 20, 0 = 2 कैरी, 4, 6 = 24 प्लस 2 = 26 टू कैरी, 4, 3 = 12 प्लस 2 = 14 टेबल्स तो आपको आते हैं, मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं पहले भी। नाउ 2, 5 = 10 ये आपका पता है, 10 से उसका एक जीरो लग गया, और 2, 5 = 10 जीरो ईयर, 1 कैरी, 2, 6 = 12 प्लस 1 = 13 देन 1 कैरी, 2, 3 = 6 प्लस 1 = 7 अब जब मैंने इनको प्लस किया तो आ गया 8,760 आवर्स इन अ ईयर। इन ईयर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वन आवर में क्या होता है, सॉरी वन ईयर में कितने होते हैं बेटा 365 डेज, दैट्स वाई, ठीक है। अब आपको आज बताने हैं 100 ईयर्स में, जब आपने 1 ईयर का फाइंड आउट कर लिया और 100 का करना है, तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपको पता हो कि 100 जब किसी से भी मल्टीप्लाई होती है 10, तो क्या होता है, जितने ज़ीरो उसके पीछे हैं वो आप क्या करेंगे, 100 के 2 ज़ीरो हैं, तो आप जो इस नंबर को मल्टीप्लाई करें उसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा दीजिए, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, यस, तो 8,760 को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 8,76,000 आवर्स, क्लियर, 8,76,000 आवर्स इन 100 ईयर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू, क्लियर बेटे। जब हमें वन की कोई चीज़ पता होती है और हमें उस वही सेम चीज़ उससे ज़्यादा की पता करनी है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, जो हमने इस क्वेश्चन में किया। वन डेज से हमने 365 डेज निकाले, 365 डेज इज इक्वल टू वन ईयर, और वन ईयर से क्या किया मैंने 100 ईयर्स फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे अपनी बुक में, तो सी क्वेश्चन नंबर थ्री इन योर बुक। वन टेक्स्ट बुक यानी बुक एक, ठीक है, कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है ₹289 है, यानी एक बुक की कॉस्ट है ₹289। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, अब हमें कॉस्ट बतानी है, 2,550 कॉपीज ऑफ द बुक ऑर्डर्ड बाय द स्कूल, यानी सेम वैसी ही बुक्स है उतनी ही रेट की, और वो बुक्स कितनी है 2,550, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका होमवर्क, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमसे क्या कहता है, वन टिकट फॉर अ मूवी, यानी एक
टिकट किसका, आप पिक्चर देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, यस, तो 1 टिकट फॉर द मूवी एट द मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स में जैसे क्रॉस पॉइंट मॉल है अपने अलवर में, वहाँ पे है ना हमारे पास में, यस मल्टीप्लेक्स, तो वहाँ पे अगर आप मान लीजिए एक टिकट मूवी का एक टिकट आपने खरीदा, उसकी कॉस्ट है ₹280, एक टिकट की कॉस्ट कितनी बताइए बुक में, ₹280, वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1250 टिकट्स, सेम कॉस्ट के आप 1250 टिकट्स खरीदते हैं तो कितना होगा, तो क्या करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, यस यस बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास 1 टिकट है और उसकी कॉस्ट है मेरे पास में 280, और अब मुझे फाइंड आउट करना है 1250 टिकट्स की, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल टू 280 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1250 टिकट्स को व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, देन आपने क्या देखा कि इन दोनों के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, वो 2 जीरो मैंने पहले लगा दिए, अब हम क्या करेंगे 1125 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पीछे जो जीरो थे वो मैंने लगा दिए, हम पहले सीख चुके हैं, अब जब 28 को मैंने मल्टीप्लाई किया 125 से, देन वी गेट 3500, ठीक है, मैंने इस 3500 को इसके पीछे लगा दिया, सो अब मेरे पास आंसर कितना आया 3,50,000, आपको पता है जब भी जीरो आते हैं तो उस जीरो को हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ कितने जीरो हैं, वो जीरो लगा दिए और बाकी बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, और आप चाहते हैं तो आप सिंपल 280 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटे, यस 3,50,000, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यस बेटा, तो अभी आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में जब हमने 1250 को मल्टीप्लाई किया 280 से, तो आपको मैं फिर से एक बार सिखा रही हूँ, जब ये पीछे जीरो लगता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कितने जीरो काउंट करके हम इसको पहले नोट कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक जीरो, यहाँ एक जीरो है, ठीक है, मैंने इन दोनों का जीरो नोट कर लिया और फिर 125 और 28 को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपको ये प्रोसेस में प्रॉब्लम है, इस वैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप चाहते हैं तो डायरेक्ट 280 को भी इससे मल्टीप्लाई लिख के कर सकते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया, 1 टिकट की कॉस्ट जो थी उसको मैंने टोटल नंबर ऑफ जो टिकट्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर बेटे 5, आशा, आशा एक गर्ल है, रन्स, दौड़ती है 1750 मीटर एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह हर एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह 1750 मीटर क्या करती है, रनिंग करती है, हाउ मैनी मीटर्स विल शी रन इन 180 डेज, अगर वो वन डे में 1750 मीटर रनिंग कर रही है तो आपको बताना है कि शी विल रन इन 180 डेज में वो कितना रन करेगी, तो बहुत ईजी है, अब तो आपको खुद ही आंसर्स फाइंड आउट हो चुके हैं, क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसके आपको मैंने 3 questions तो कराए हैं और 2 questions मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क में, कौन से हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, मैंने अभी आपको दोनों एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, अब 6, 7, 8 ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर बेटा, सो मैथ्स होमवर्क क्वेश्चन 3 एंड 5 डू इन योर नोटबुक, बाय।